वेलकम बैक टू विकास लाइफ स्टाइल आज हम खड़े हैं इंडियन एस के सामने जिसका नाम है टाटा हैरियर 2018 में लॉन्च हुई थी और अभी आप इसका 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का एक्सजेड प्लस रेड डार्क एडिशन मॉडल देख रहे हैं रेड एंड डार्क एडिशन में आपको तीन मॉडल मिलेंगे एक्सजेड प्लस जिसकी ऑन रोड प्राइस है पच्चीस लाख सत्ताईस हज़ार रुपये मैनुअल ट्रांसमिशन में एक्सजेड ए प्लस ऑटोमेटिक वर्जन जिसकी ऑन रोड प्राइस है छब्बीस लाख छिहत्तर हज़ार रुपये एक्सजेड ए प्लस ऑप्शनल जिसकी ऑन रोड प्राइस है सत्ताईस लाख इक्यानबे हज़ार रुपए ऑप्शनल वाले मॉडल में आपको एडास फीचर्स मिलेंगे कलर ऑप्शन की बात करें तो रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में आपको ओबेरन ब्लैक कलर ही केवल देखने को मिलेगा इसके अलावा आपको पांच और कलर के ऑप्शन मिलते हैं वाइट रेड ग्रे ट्रॉपिकल मिस्ट रॉयल ब्लू डार्क एडिशन और रेड डार्क एडिशन में आपको अमाउंट वाइज टेन थाउजेंड रुपीज़ का डिफरेंस मिलेगा लैंड रोवर के डी एड प्लेटफॉर्म से लिए हुए ओमेगा आर प्लेटफॉर्म पे बनी है टाटा हैरियर जिसपे सफारी रेंज रोवर एवो को लैंड रोवर डिस्कवरी भी बनी है डेवलपमेंट के दौरान क्यू फाइव जीरो वन कोड नेम था है, हैरियर का इसमें तीन ड्राइव मोड्स मिलेंगे इको सिटी और स्पोर्ट्स आइए बात करते हैं कार के फ्रंट प्रोफाइल की यहाँ मिलेगा आपको फॉग लैम्प कॉर्निंग फंक्शन के साथ ऑटोमेटिक जेनॉन एस आई डी प्रोजेक्टर हेड लैम्प्स और यहाँ पर एल ई डी डी आर एल टर्न इंडिकेटर फंक्शन के साथ आगे और पीछे स्किट प्लेट्स ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में ग्रिल यहाँ मिलेगा आपको फ्रंट कैमरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में टाटा मोटर्स का लोगो लोअर ग्रिल में आपको मैट ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ यहाँ पे आपको रेड इंसर्ट देखने को मिलेगा रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में फ्रंट बोनेट पे डिज़ाइन यहाँ पे मिलेगा आपको डेल वाइपर और वॉशर का सेटअप रेड इंटीरियर की वजह से कार का लुक बहुत ही प्रीमियम लगता है यहां मिलेगा आपको लार्ज विंडो स्क्रीन अंदर से बैठने पे विजिबिलिटी बहुत ही क्लियर रहती है यहाँ पे आपको मिलेगा पैरामिक सन प्रूफ शार्फिन एंटीना इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आउटसाइड मिरर्स टर्न इंडिकेटर विद कैमरा के साथ फेंडर में आपको मिलेगा क्रोम फिनिश के साथ डार्क एडिशन की बैजिंग यहाँ पे भी आपको रेड इंसर्ट देखने को मिलेगा डार्क एडिशन में और ये है 18 इंच के जेट ब्लैक डायमंड कटल ऑय व्हील रेड कैलिपर के साथ में आगे और पीछे डिस्क ब्रेक मिलेगी अलॉय व्हील में आपको टाटा मोटर्स का लोगो मिलेगा 4.6 मीटर लेंथ है 1.7 मीटर हाइट है इसी नाम से टाटा हैरियर एस भी आती है 5.75 मीटर टर्निंग रेडियस है 2.7 मीटर व्हील बेस है 205 सौ पाँच एम एम है और लगभग 1650 सौ के जी करवेट है टाटा हैरियर का रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा रेड कैलीपर के साथ में टू थर्टी फाइव सिक्सटी आर एटीन टायर प्रोफाइल है फ्रंट में आपको इंडिपेंडेंट लोअर विजवोन मैकफर्सन स्टर विद कॉल स्प्रिंग एंटी रोल बार रियर में आपको सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट ब्लेड विद पेन हार्ड रॉड कॉल स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलेंगे पैनिक ब्रेक अलर्ट आफ्टर इम्पैक्ट ब्रेक ड्राइवर डोजअफ अलर्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे रियर पार्किंग सेंसर्स हैं रियर स्किट प्लेट और ये सेवनटीन इंच के स्टील स्पेयर व्हील एफिशिएंटली डिज़ाइन क्रम्पल जोन है यहाँ मिलेगा आपको क्रोम फिनिश में हैरियर की बैजिंग ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में टाटा मोटर्स का लोगो रियर कैमरा रियर वाइपर वॉशर के साथ रियर में डिफॉगर वोकल फॉर लोकल का स्टीकर हाई मोड स्टॉप लैम्प स्पॉयलर शार्फिन एंटीना और ये है ट्विन लाइट एलईडी टेल लैम्प सेफ्टी के अंदर सिक्स बैग चाइल्ड सीट एंकर सीट बेल्ट वार्निंग एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेक असिस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम हिल होल्ड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ये लर्न फैमिली की बैजिंग हिल डिसेंट कंट्रोल इंजन मोबिलाइजर कीलेस ले सेंटर डोर लॉकिंग आइए बूट ओपन करके देखते हैं यहाँ आपको मिलेगी 425 लीटर की बूट स्पेस रियर सीट फोल्ड करने पे 1810 लीटर की बूट स्पेस बन जाएगी यहाँ मिलेगा आपको जे के स्पीकर्स, दूसरी तरफ मिलेगा आपको बूट लाइट का सेटअप यहाँ मिलेगा आपको बूट मैट रियर पार्सल ट्रे टूल किट आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोल के देखते हैं ऐसे दिखता है कार का रियर प्रोफाइल बूट में आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाएगा यहाँ से आप बूट को बंद कर सकते हैं नाइन स्पीकर का जे साउंड सिस्टम मिलेगा आपको हैरियर में एम्पलीफायर के साथ नीचे लाइट है स्पीकर्स बॉटल होल्डर काफ़ी स्पेस डोर में हैंडल ग्रिपिंग के लिए रेड कॉम्बिनेशन दिया गया है यहाँ पे भी जे का स्पीकर्स के पावर विंडो के बटन रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में यहाँ पे आपको मिलेगा रेड लेदर ऑफ फॉस्ट्री सीट में शानदार फिनिशिंग देखने को मिलती है और यहाँ पे मिलेगा आपको डोयल एडजस्टेबल हेडरेस्ट रियर पार्सल ट्रे थ्री पॉइंट एल सीट बेल्ट्स आर्म ब्रश में दो ग्लास होल्डर मिलेंगे और ऐसे दिखता है रेड डार्क एडिशन का इंटीरियर यहाँ मिलेगा आपको रीडिंग लाइट्स हैंडल बार यहाँ मिलेगा आपको काफ़ी स्पेस दो यूएसबी एस पोल्ट सीट के पीछे पॉकेट मिलेगी और ऐसे दिखता है एच प्लस रेड एडिशन का डैशबोर्ड शानदार फिनिशिंग मिलेगी आपको डैशबोर्ड पे बॉक्स के पास भी आपको रेड इंसर्ट देखने को मिलता है पिलर्स मिलेंगे आपको एसी वेंट्स सीट के पीछे पॉकेट यहाँ पर भी एसी वेंट्स और यहाँ से भरेंगे डीजल 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी आपको यहाँ पे आइए अब ड्राइवर साइड डोर खोल के देखते हैं डोर के नीचे लाइट स्पीकर्स बॉटल होल्डर काफ़ी स्पेस ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में हैंडल बार्ड रेड कॉम्बिनेशन के साथ में पावर विंडो के बटन ओ आर वी एम के कंट्रोल सिक्स वे पावर एडजस्टेबल सीट्स है लंबर सपोर्ट के साथ तीन मेमोरी फंक्शन का भी ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आगे कूल्ड वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी इलेक्ट्रिक सीट्स है यहाँ मिलेगा डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट टिल्ट और की है स्टेयरिंग में टाटा मोटर्स का लोगो यहाँ मिलेंगे आपको पैडल्स बोलट खोलने का लेवर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ए सी वेंट्स आइए ड्राइवर सीट्स पे बैठ के देखते आर्मर्स में भी आपको रेड कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे काफ़ी इस स्पे दो एस बी पोल्ट टेल्व वोल्ट का पोल्ट यह मिलेगा आपको दो ग्लास होल्डर और ये नए इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक ऑल्टो होल्ड के साथ और ये है सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन सिक्स स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिलेगा लेदर रैप्ड गेयर नॉब है और ये टेरेन रिस्पॉन्स मोड ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हिल डिसेंट कंट्रोल वायरलेस चार्जिंग ऑक्स और यू के पोर्ट फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल ए है एयर प्योरीफायर के साथ ये फॉग लाइट के बटन ड्राइव मोड्स के बटन और ये है टेन इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले एंड्रॉड ऑटो एप्पल कारप्ले वॉइस कमांड जीपीएस नेविगेशन ब्लूटूथ ऑक्स एफएम रेडियो यूएसबी, 360 कैमरा यहाँ पे मिलेगा ग्लोब बॉक्स लाइट के साथ पिलर्स पे स्पीकर्स हैं शानदार डैशबोर्ड की फिनिश और ये है लेदर रेड पावर स्टेरिंग एडजस्टेबल स्टेयरिंग ऑप्शन मिलेगा एंड टेलीस्कोपिक यहाँ पे फोन वॉल्यूम इंफोटेनमेंट और वॉइस कंट्रोल टाटा मोटर्स का लोगो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और क्रूज कंट्रोल लाइट के कंट्रोल वाइपर और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेवन इंच टी डिस्प्ले के साथ में जो दिखाएगा गेयर शिफ्ट इंडिकेटर ड्राइव मोड आर एम, फ्यूल लेवल ओडोमीटर स्पीड टाइम और कई इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा आपको पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर, रीडिंग एलईडी लाइट्स और यहाँ पे मिलेगा आपको पैनारोमिक सनरूफ, और यहाँ पे मिलेगा आपको ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर। ड्राइवर साइड सन वाइजर और यहाँ पे मिलेगा आपको उन्नीस सौ छप्पन सी सी फोर सिलेंडर इन लाइन फोर वॉल डी ओ एस सी टू पॉइंट जीरो लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन जो कि पावर जनरेट करेगा एक सौ सत्तर बी एच पी की सैंतीस सौ पचास आर पी एम पे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तीन सौ पचास एन एम का सत्रह सौ पचास आर पी एम पे माइलेज कंपनी क्लेम करती है सिक्सटीन पॉइंट थ्री फाइव किलोमीटर प्रति लीटर का और ड्राइविंग रेंज है आठ सौ सत्रह किलोमीटर यहाँ पे मिलेगा आपको सिक्स स्पीड मैनुअल गेयर बॉक्स स्पोर्ट्स मोड बी एस सिक्स फेज टू टर्बो चार्जर का ऑप्शन मैनुफैक्चरिंग वारंटी मिलती है तीन साल एक लाख किलोमीटर की टाटा हैरियर पे कार जीरो टू हंड्रेड आने में एलेवन पॉइंट टू फाइव सेकेंड का समय लेती है इसकी टॉप स्पीड है वन एट्टी किलोमीटर प्रति घंटा इसके मेन राइवल्स हैं टाटा सफारी महिंद्रा एस यू वी सेवन डबल ओ एम जी हेक्टर हूं ड्रेटा जीप कम्पास किया सेल्टॉस महिंद्रा इसकॉपियो एन स्कोडा कोसॉक वॉक्स एंटर इंटर एन आपको टाटा हैरियर रेड एंड डार्क एडिशन मॉडल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर लीजिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय